आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटर पनीर पुलाव की रेसिपी, जो कि अक्सर शादी चैनल स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला मटर पनीर पुलाव की रेसिपी, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर मैंने एक कप बासमती राइस लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और 20 मिनट तक इसको भिगा के रखा था और अभी इसका पानी मैंने निकाल लिया है। और इधर पनीर लिया है, गाजर लिया है और फ्रेश मटर लिया है। आइए अभी शुरू करते हैं। इधर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया कढ़ाई में और उसमें हम फ्राई कर लेंगे पनीर। गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। पनीर अभी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो इनको अभी हम निकाल देते हैं और अभी फ्राई कर लेते हैं काजू। काजू भी भून चुके हैं, उनको हम निकाल लेते हैं और अभी फ्राई कर लेते हैं किशमिश को। पुलाव में काजू और किशमिश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको धीमा ही रखेंगे, किशमिश बहुत ही जल्दी भून करके तैयार हो जाते हैं। अभी किशमिश भी भून चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और अभी कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी में बनाने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार एनिस यानी चक्रफूल और 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी स्टिक, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग डालेंगे और 1 छोटे चम्मच जीरा। इन मसालों से पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अभी डाल दूंगी 2 बड़े साइज के प्याज लंबाई में कटे हुए, गोल्डन होने तक इनको भून लेंगे। प्याज अभी गोल्डन हो चुका है तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे जूलियंस में कट किया हुआ अदरक और लंबाई में स्लिट किए हुए 2 हरी मिर्च। और अभी डाल देंगे गाजर। और अभी डालेंगे राइस। भून लेंगे इसको अच्छे से। आप चाहें तो पुलाव को कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको कढ़ाई में ही बना रही हूँ। इसको मैंने 2 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया है, देखिए कितना शाइनिंग लग रहा है। और अभी हम डालेंगे इसमें पानी। एक कप राइस लिया था मैंने, इसमें मैं 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। और अभी डाल देंगे मटर, ये फ्रेश मटर लिया है मैंने।
मिक्स कर देंगे अच्छे से। सॉल्ट डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून के जितना गरम मसाला और हाफ टी स्पून ही डालूंगी रेड चिली पाउडर। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और अभी ढक्कन लगा करके इसको पकाएंगे। एट्टी परसेंट तक चावल कुक हो चुका है तो इसी में हम अभी डाल देंगे काजू और किशमिश और पनीर। एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। और वापस इसको ढक देंगे। आग को एकदम धीमा ही रखेंगे। पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। और इसको ढक करके 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो तैयार है हमारा सुपर डिलीशियस मटर पनीर पुलाव। ये पुलाव अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करते हैं या हम शादियों में खाते हैं। देखिए कढ़ाई में कितनी आसानी से और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं झटपट। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से काजू से, किशमिश ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करें। इसको हम सर्व करेंगे रायता के साथ में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।